नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हॉकिंस फ्यूचुरा नॉनस्टिक तवा, इसे इंग्लिश में ग्रीडल भी बोलते हैं। सो दोस्तों, इसको हमने अमेजन से लिया है और ये इसका बॉक्स है। और ये वैसे तो 1110 रुपये का है, लेकिन इस पर 12% GST लगा है। सो GST मिला के ये 1244 रुपये का पड़ा है। सो इसकी स्पेसिफिकेशन बता देते हैं आपको दोस्तों। इसका जो ये डायमीटर है ये 28 सेंटीमीटर है, और जो इसकी मोटाई है वो 4.88 mm है, यानी लगभग आधा सेंटीमीटर। इस पर 2 साल की गारंटी है। और दोस्तों, बॉक्स में हमें मिलेगा एक तो हमारा तवा है, एक इसके साथ लकड़ी का स्पैचुला फरी आया है, एक प्लास्टिक स्क्रबर और एक मैनुअल है जिसमें रेसिपीज भी दी गई हैं कुछ, और एक इसका 2 साल की गारंटी कार्ड है। दोस्तों, इसका प्लास्टिक का हैंडल है और इस पर 3 जो नट हैं वो टाइटली स्क्रू किए गए हैं। और ये जो पूरा जो मटेरियल है ये एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर हार्ड एनोडाइज्ड मटेरियल लगा के उसके ऊपर फिर नॉन स्टिकी कोटिंग की गई है, और नीचे से भी हार्ड एनोडाइज्ड मटेरियल है। सो नीचे वाला हार्ड एनोडाइज्ड मटेरियल पर जंग नहीं लगेगा, ये रस्ट फ्री है, मतलब जंग नहीं लगेगा इस पर, और ऊपर नॉन स्टिकी है। और इसकी सबसे खास बात यह है, जब भी आप इसे आंच पर रखोगे यानी गैस ऑन करोगे, जो इसकी मतलब बर्नर की आंच है ये इवनली स्प्रेड करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा गर्म है ये और यहाँ से ठंडा है, मतलब इस पर आंच ये पूरा तवा एक जैसा गर्म होगा इवनली, मतलब सारी जो हीट है वो पूरे पे फैलेगी। इसको कर लिया हमने अनबॉक्स। ये है प्लास्टिक का स्क्रबर, इसके साथ मिला है 2 ईयर वारंटी कार्ड। ये इस पर वार्निंग दी गई है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं अभी। और इस पर भी इंस्ट्रक्शंस हैं, और प्लस इसके अंदर आपको रेसिपीज दी गई हैं, आप डिफरेंट टाइप की रेसिपीज बना सकते हैं इसको देख देख के। और ये वुडन स्पैचुला है जो इसके साथ फ्री आया है। सो हमारे नॉन स्टिकी तवे को हमें मेटालिक मतलब चम्मच, स्पून, कड़छी और कोंचा इस टाइप की, या स्पैचुला, मेटालिक स्पैचुला यूज नहीं करना है, उससे जो ये इसका जो सरफेस वाला नॉन स्टिकी परत है वो डैमेज हो सकता है। और ये देखिए दोस्तों, ये 28 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं कि हमें इसे कैसे यूज करना है। एक तो हमें इसको कभी भी गर्म होने के लिए रखना है बर्नर पे, तो इसको मीडियम आंच पे यूज करना है, या तो लो फ्लेम हो या मीडियम हो, फुल आंच कभी भी नहीं करनी है। दूसरा दोस्तों, जो ये परत है ये हाई टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होती है, मतलब 2 चीज़ों से ये खराब हो सकती है। एक तो आपको मेटालिक जो आपका स्पैचुला है, स्पून है या फिर चाकू है, उससे अगर आपको इस पे बने खाने को उठाओगे तो ये खराब हो जाएगी। और दूसरा हाई टेम्परेचर, यानी आपको हीट मीडियम रखनी है, एकदम से आप इसको गर्म करोगे ज़्यादा आँच पे तो ये फिर नॉन स्टिकी लेयर खराब हो जाएगी। तीसरा, इसको जैसे ही आपने अगर इस पे अपनी जो भी डिश बनानी थी वो बना चुके हो, और तुरंत गैस बंद करके और इसको सिंक में रख के इसके ऊपर गरम गरम तवे पर ठंडा पानी कभी नहीं डालना है। और चौथा, जब भी आप इसको धोओगे इसको गुनगुने पानी से धोओगे,
और प्लास्टिक के स्क्रबर से इसको धोना है हल्के हाथों से। और मान लो इसके ऊपर कुछ गहरा दाग लग जाता है या फिर आपने जो इस पर डिश बनाई है उसका कुछ मटेरियल चिपक जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुनगुने पानी में इसको विम या फिर जो भी आपका कोई भी वॉशिंग लिक्विड है जिससे आप बर्तन धोते हैं, तो उसको डाल के या फिर सॉफ्ट सर्फ लेना है, उसको 10 मिनट तक इसको गुनगुने पानी में डाल के रखना है और उसके बाद प्लास्टिक के स्क्रबर से धीरे धीरे इसको धोना है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो आपका तवा सालों साल चलता रहेगा। दोस्तों हमें कभी भी नॉन स्टिक की तवा को रेगुलर यूज में, जैसे डेली आप इस पर चपातियां ना ही पकाए तो अच्छा है, क्योंकि नॉन स्टिक की जो तवा होता है, वैसे तो हॉकिंस कंपनी क्लेम कर रही है कि इसका जो नॉन स्टिकी मटेरियल है वो नॉन टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी हम आपको यही हिदायत देंगे कि रेगुलर जो आप रोटियां या पराठे इस पर पकाते हो वो इस पर ना बनाएं। ये कभी कभी जैसे डोसा बना लिया या फिर वेजिटेबल रोल बना लिया या फिर इस पर आपने उत्पम बना लिया, ऑमलेट बना लिया, बेसन का चीला बना लिया, तो ये रेगुलर रोटियां पकाने में नॉन स्टिक की तवे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और कभी कभी आपको कुछ क्रिस्पी डिशेज बनानी है तो ही इस तवे का यूज करें। और इसका जो वेट है वो 1 kg है और ये नीचे वाला सरफेस कोरोजन रेजिस्टेंट सरफेस है, ये जो नीचे वाला है इस पर कोई भी जंग नहीं लगेगा, और ऊपर वाला सरफेस नॉन स्टिक की है, बैलेंस इसका बहुत अच्छा है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट किसी अनबॉक्सिंग वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव डालना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।